अमेजन प्राइम की 5 ऐसी हिंदी क्राइम थ्रिलर वाली सीरीज में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसे कि अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सच में बहुत बड़ी चीजें मिस कर रहे हो। मतलब इन 5 सीरीज को आप लोग एक बार जरूर से जाके देखना, क्योंकि भाई मिस करने वाली सीरीज है ही नहीं। तो अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें फर्स्ट नंबर सीरीज के बारे में तो वो है गिल्टी माइंड्स। इस सीरीज को 2022 में रिलीज करा गया था, जिसे की IMDb के तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है। बात करें इस सीरीज के स्टोरी लाइन के बारे में कि आखिरकार इस सीरीज में रहने क्या वाला है, सीरीज के स्टोरी के बारे में, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये जो सीरीज है वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा कह सकते हो, मतलब कोर्ट के अंदर दिखाई गई ये सीरीज। अब भाई सीरीज के टोटल 1 सीजन है, जो कि 10 एपिसोड्स के साथ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 10 एपिसोड्स में अलग अलग स्टोरी देखने को मिलने वाली है, अलग अलग केस को सोल्व करा जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ये जो 5 सीरीज है वो आप लोगों को अमेजन प्राइम पर देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे आप लोग जाके इसे भी देख सकते हो। नंबर सेकंड पे आती है PI मीना। बेसिकली सीरीज को 2023 में रिलीज करा गया था, जिसे की IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग्स मिली है। ये टोटल 1 सीजन के साथ अवेलेबल है। बात करें इस शो के स्टोरी लाइन के बारे में कि आखिरकार इस सीरीज में रहने क्या वाला है, तो इस सीरीज की स्टोरी शुरुआत होती है PI मीना से, जिसके सामने एक लड़के का मर्डर कर दिया जाता है, और मीना उसी दिन से उस मर्डर मिस्ट्री केस को सोल्व करना चाहती है। अब भाई इस पूरे 1 सीजन में वही दिखाया गया है कि जो PI मीना है वो इस केस को कैसे सोल्व करे, कौन मर्डर है और किसका मर्डर और किसने क्यों किया है, इन सभी चीजों के जो आंसर्स है वो आप लोग को इस सीरीज को देखने के बाद मिलेगा। भाई सच्चे में बिलीव करो कि ये जो सीरीज है वो वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर वाली कह सकते हो, इसे अच्छी है, जाके देख सकते हो। बात करें थर्ड नंबर सीरीज के बारे में तो वो है पोचर। इस सीरीज को 2024 में रिलीज करा गया था। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 7.7 की रेटिंग मिली है। बात करें इस सीरीज के स्टोरी लाइन के बारे में कि आखिरकार इस सीरीज में रहने क्या वाला है, तो ये जो शो की स्टोरी है वो आपको सबसे पहले ले जाती है, जहाँ के कुछ पोचर्स हाथियों के दांतों का स्मगलिंग करते हैं, बट वहीं पे कुछ ऐसे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर भी है जो इन पोचर्स को पकड़ना चाहते हैं। अब भाई सीरीज में यही देखना होगा कि आखिरकार वो जो पुलिस ऑफिसर वो इन पोचर्स को कैसे पकड़ती है, और भाई कैसे दांतों का स्मगलिंग हो रहा है, ये सभी चीजों को देखने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई इस सीरीज को आप लोग एक बार जरूर से जाके देखना, क्योंकि इस सीरीज को देखने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट लेवल का थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है, तो भाई जाके देख सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग अपने फोर्थ नंबर सीरीज की ओर, तो वो है दहाड़। बेसिकली सीरीज को 2023 में रिलीज करा गया था, जिसमें कि आप लोगों को सोनाक्षी सिन्हा देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में तो IMDb की तरफ से इसे 7.6 की रेटिंग मिली है। एंड एक चीज बताता हूँ कि ये जो सीरीज की स्टोरी है वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड रहने वाली है। इस सीरीज की स्टोरी शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर से, जो कि एक ऐसे मर्डर के तलाश में है जिसने अब तक 45 लड़कियों का मर्डर कर चुका है। अब भाई सीरीज में देखना ये होगा कि क्या वो सोनाक्षी सिन्हा उस मर्डर को पकड़ पाती है या फिर नहीं पकड़ पाती है, और वो बंदा कौन है जो 45 लड़कियों का मर्डर कर चुका है, और ऐसा क्यों कर रहा है, किस तरीके से मर्डर कर रहा है। भाई इन सभी चीजों को देखने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो कुछ इस तरह की स्टोरी रहने वाली है इस सीरीज की। तो अब देखो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि इन सीरीज की स्टोरी सुनकर तो आप लोगों को काफी नॉर्मल और काफी इजी लग रही होगी ये स्टोरी, बट गाइस बिलीव मी स्टोरी के बाद आप लोगों को स्टोरी पे मत जाओ, मतलब स्टोरी तो काफी ज्यादा तगड़ी है ही। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो जरूर लग रहा होगा कि भाई ये स्टोरी अच्छी नहीं है, सीरीज भी अच्छी नहीं होगी, बट सच्ची बता रहा हूँ गाइस आप लोग एक बार जाके तो देखो, उसके बाद मेरे को बोलना, ठीक है। मतलब एक बार जाके देखो इन वेब सीरीज को, मजा नहीं आएगा देखने में तो फिर मुझे बोलना, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब 5th नंबर सीरीज की ओर, तो वो है वेनम दीदी। बेसिकली इस सीरीज को IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग्स मिली है, जिसे कि 2022 में ही रिलीज करा गया था। इस सीरीज की स्टोरी शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां की एक लड़की का डेड बॉडी मिलता है। अब वो जो डेड बॉडी है वो किस लड़की की है, किसने मर्डर करा और क्यों करा है, इन सभी चीजों का जो केस है वो चला जाता है एक विवेक नाम के पुलिस ऑफिसर के पास। अब भाई सीरीज में देखना ये हुआ कि वो इस विवेक नाम का जो पुलिस ऑफिसर है वो इस केस को कैसे सोल्व करता है, आगे क्या होने वाला है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आप लोग को सीरीज को देखना होगा। तो भाई इन 5 सीरीज के बारे में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो सच्ची बता रहा हूँ, एक बार जरूर से जाके देखना, मजा ना आए देखने में तो फिर मुझे बोलना। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।